हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूँ बीसीओसी 132 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है डेफिनेशन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का। इन तीनों का क्या क्या डेफिनेशन है और ये तीनों हमारे लिए स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है, जब हम इसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। मैं चाहूंगा कि अगर आप मेंबरशिप प्लान लेना चाहें तो आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। उसको करना क्या है, उसके लिए आपको सबसे पहले तो हमें सब्सक्राइब करना है इस जगह पे आकर के, है ना, सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन है इसे दबा देना है। उसके बाद आपको ये ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, ज्वाइन वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इग्नू बीकॉम का ऑप्शन देखो यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे एक नॉमिनल सा फी पेमेंट करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं, जहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। आपको असाइनमेंट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, एक रुपए भी आपको पेमेंट नहीं करना होगा। आपको नोट्स अगर खरीदने हैं तो वो भी बहुत सस्ते दामों पर मिल जाएंगे। और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 रिगार्डिंग योर बी कॉम स्टडी, ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो एडमिशन हो, असाइनमेंट हो, रीरजिस्ट्रेशन हो, या फिर फॉर्म फिलअप हो एग्जामिनेशन का, हर एक तरह की जानकारी जो है आपको व्हाट्सएप हमारे ग्रुप के थ्रू आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको ज्वाइन कर लेने के बाद यहाँ पे मोर अबाउट पर्क्स में जाना है, और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लिंक आपको दिखेगा, जहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा एक्सक्लूसिव जो बी कॉम का ग्रुप है आप उसे वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज द बेनिफिट दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट। नाउ अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ प्लेलिस्ट के बारे में। यहाँ पे देखो प्लेलिस्ट बनी हुई है इग्नू बीकॉम न्यू के। जब आप ऊपर क्लिक करेंगे तो इग्नू बीकॉम, आपको पता है कि इग्नू बीकॉम ओल्ड था, इग्नू बीकॉम न्यू फिर नया कोर्स लॉन्च हुआ। इसमें अभी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ही नोट्स अभी तक अवेलेबल हो पाए हैं, तो सिर्फ मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ही ऊपर अभी मैं वीडियोज बना रहा हूँ। पर जैसे ही थर्ड ईयर आ जाएगा वो भी प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। तो फिलहाल आपको अगर प्लेलिस्ट में चीजें देखनी है तो आपको हमारे वेबसाइट पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना होगा, बीकॉम न्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बीसीओसी 131 से लेकर के 138 और बीसीओएलए ओएलए बीकोला जैसे कहते हैं 138 और बीसीओएस 183 184 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और भी जो है बीसीओसी 141 142 बीसीओई है आपके कोर्सेज जो कि थर्ड ईयर में है, वो सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको नीचे में दिखेंगे जब उसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, आई मीन जब उसके बुक्स आ जाएंगे, तो मैं उसके ऊपर जो है वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए, जो कि होने वाला है बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस क्या होता है, इन जनरल में अगर मैं बात करूं तो बिजनेस का मतलब होता है कि किसी चीज को बेचना और खरीदना। किसी चीज को आपने खरीदा, उसको असेंबल किया, उसको बेहतर बनाया, बेहतर बना करके आपने फिर उसे बेच दिया और वहां से आपको प्रॉफिट हुआ, है ना, तो उसे हम कहेंगे बिजनेस। देखो बिजनेस का जो मेन डेफिनेशन है उसमें एक चीज बहुत ही कॉमन है कि वहां प्रॉफिट मोटिव होगा। बगैर प्रॉफिट मोटिव के हम किसी को भी बिजनेस बोल ही नहीं सकते। अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपका मोटिव अगर पैसे कमाना नहीं है तो वो बिजनेस कभी भी नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एनी एक्टिविटी कैरिड प्राइमरली विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, लिखा हुआ है ना, अर्निंग प्रॉफिट कैन बी कॉल्ड अ बिजनेस एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी जो कि किया जाता है एक प्राइम ऑब्जेक्टिव को लेकर के, जो कि है प्रॉफिट कमाना, तो उसे हम कहेंगे बिजनेस एक्टिविटी। दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज अचीव्ड बाय प्रोडक्शन एंड और एक्सचेंज ऑफ वांट्स सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जो प्रॉफिट है आप कमा सकते हो किस तरीके से, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके, प्रोडक्शन करके, या फिर तो कोई एक्सचेंज में किसी गुड्स एंड सर्विसेज को दे करके, है ना, आपको पैसे मिले, आपने उसके एक्सचेंज में आपको गुड्स या सर्विसेज आपने दी और आपको वहां पे प्रॉफिट हुआ, तो हम उसे कहेंगे प्रॉफिट या फिर बिजनेस, है ना, बिजनेस एक्टिविटी हम उसे कहेंगे। देयरफॉर वी कैन डिफाइन बिजनेस एज एनी एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ वांट सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज कैरिड विद द व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन जो यहाँ पर लिखा हुआ है। देयरफॉर के बाद जो डेफिनेशन है, वी कैन डिफाइन, हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि बिजनेस कोई भी एक एक्टिविटी होती है जहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है और यहाँ पे ऐसे गुड्स का एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि आपके नीड्स को सेटिस्फाई करता हो। साथ ही साथ आप इस बात का भी ध्यान रखते हो कि आप जब इस काम को कर रहे हो, जब आप इस एक्टिविटी को कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, बिजनेस कहेंगे, ठीक ना। प्रोडक्शन ऑफ सोप्स, सेल ऑफ एग्स, प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स, ट्रांसपोर्ट ईटीसी आर सम एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के एग्जांपल भी दे दिए गए। अ पर्सन हु इज एंगेज इन बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेसमैन। एक व्यक्ति जो कि बिजनेसमैन बिजनेस करता है उसे हम कहते हैं बिजनेसमैन या फिर तो एंटरप्रेन्योर, है ना। सिमिलरली अ फर्म फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग अ बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस एंटरप्राइज और बिजनेस फर्म। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक संस्था जो कि बिजनेस को कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बिजनेस एंटरप्राइज कहेंगे या फिर बिजनेस फर्म कहेंगे,
है ना, इसके बारे में हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, ये बात लिखा गया उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बिजनेस क्या होता है, आई होप के समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं प्रोफेशन के बारे में कि प्रोफेशन क्या होता है। सो एनी एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स अ रेंडरिंग ऑफ प्रोफेशनल पर्सनलाइज सर्विसेज ऑफ अ स्पेशलाइज नेचर बेस्ड ऑन प्रोफेशनल नॉलेज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज कॉल्ड प्रोफेशन। तो पहले लाइन में ही डेफिनेशन आपको बता दिया गया है। तो कोई भी एक्टिविटी जहाँ पे आप एक तरह से पर्सनलाइज सर्विसेज आप रेंडर कर रहे हो, जैसे कि डॉक्टर हो गया, है ना, जो कि आप अपने प्रोफेशनल नॉलेज, आपके अपने एजुकेशन और ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आप डिलीवर कर रहे हो, मतलब जो भी आपने सीखा है आप उसी चीज के जरिए किसी और का इलाज कर रहे हो, किसी और को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रोफेशन, है ना। सर्विसेज रेंडर्ड बाई डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ईटीसी कम अंडर दिस कैटेगरी, है ना। जनरली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ प्रोफेशन देयर वुड बी अ प्रोफेशनल बॉडी, है ना। जनरली ये देखा जाता है कि हर एक जो भी कैटेगरी है प्रोफेशन का, उसका कोई ना कोई प्रोफेशनल बॉडी जरूर होता है। जैसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज द पर्सनल बॉडी ऑफ लॉयर, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक तरीके से पर्सनल बॉडी है, प्रोफेशनल बॉडी है, सॉरी प्रोफेशनल बॉडी है किसकी, लॉयर्स की, है ना, जो कि गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है और एक तरह से रेगुलेट करती है लॉ प्रोफेशन को इंडिया में, है ना। उसी तरीके से डॉक्टर्स का आपने सुना होगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए, है ना, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो कि डॉक्टर्स के लिए है। द प्रोफेशनल बॉडी प्रिस्क्राइब्स द नेचर एंड टाइप ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस द कंसर्न प्रोफेशन, है ना। तो जो भी कंसर्न प्रोफेशन है उसको करने के लिए आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कौन कौन से क्वालिफिकेशंस आपके पास होने चाहिए, ये डिसाइड करती है वो प्रोफेशनल बॉडी। जैसे कि लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, डॉक्टर्स के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डिसाइड करती है, राइट। अ प्रोफेशनल शुड बिकम मेंबर ऑफ द कंसर्न प्रोफेशनल बॉडी, एक प्रोफेशनल जो होता है उसको मेंबर बनना पड़ता है उस प्रोफेशनल बॉडी का, एंड फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब्ड बाई सच बॉडी, और उसको जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, जो भी नियम कानून है, जो भी संविधान है उस बॉडी के, वो भी आपको मानना पड़ेगा। प्रोफेशनल चार्ज सम फी फॉर द प्रोफेशनल सर्विसेज दे रेंडर, अब ये लोग इस चीज के लिए प्रोफेशनल फी चार्ज करते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करते हैं उसके लिए वो लोग फी चार्ज करते हैं। आपको पता होगा कि आप अगर कभी वकील से मिले होंगे तो वकील लोग भी देखना डेट वाइज जो है वो अपना खर्चा लेते हैं, आप कुछ भी कराने जाओगे तो उसके लिए वो जो है फी चार्ज करेंगे। तो उनके पास प्रोफेशनल डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री की वजह से वो लोग प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके लिए वो लोग जो है प्रोफेशनल फी हमसे लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इम्प्लॉयमेंट के बारे में, इम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो इम्प्लॉयमेंट इन जनरल अगर मैं सबको समझाऊं तो इम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अगर किसी के पास में रह करके काम कर रहा है और उसको उस चीज के पैसे मिल रहे हैं तो वो इम्प्लॉयमेंट हो गया, है ना। बिजनेस में देखो, बिजनेस आदमी का खुद का होता है ना, वो किसी के अंडर में काम नहीं करता, है ना। प्रोफेशन भी आदमी का खुद का होता है, उसकी अपनी डिग्री अपने नॉलेज के हिसाब से वो काम करता है, लेकिन इम्प्लॉयमेंट होता है जहाँ पे एक व्यक्ति किसी के अंडर में काम कर रहा है ना, कंपनी के अंडर में काम कर रहा है, तो कंपनी इम्प्लॉयर हो गया और वो व्यक्ति इम्प्लॉई हो गया और जो वो कर रहा है वो इम्प्लॉयमेंट कहलाया, है ना। चलो देखते हैं। एनी एक्टिविटी असाइन टू अ पर्सन बाय द एम्प्लॉयर अंडर एन एग्रीमेंट ऑफ रूल्स ऑफ सर्विसेज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो कोई भी एक्टिविटी जो कि एक पर्सन करता है या एक एम्प्लॉयर करवाता है, यू नो, बाय एग्रीमेंट ऑफ रूल्स, है ना, वो आपस में जो है एग्रीमेंट करते हैं। देखना जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे तो देखना है वो एक बॉन्ड पेपर पे साइन करवाते हैं कि आपको ये नियम मानने पड़ेंगे, 2 साल तक आप छुट्टी नहीं ले सकते, ये वो है ना तेना, है ना, बहुत सारी चीजें होती है। तो उस तरह की चीजें को हम लोग कहते हैं इम्प्लॉयमेंट, है ना, और जो व्यक्ति इस काम को कर रहा होता है उसे हम कहते हैं इम्प्लॉय। For performing such activity, the employee receives remuneration from the employer in form of wage or salary, है ना। तो जो activity employee करेगा उसके लिए उसको क्या मिलेगा, या तो उसको wage मिलेगा या तो उसको salary मिलेगा। Wage मिलता है उन लोगों को जो लोग factory में काम करते हैं, salary मिलता है उन लोगों को जो लोग office में काम करते हैं, but employee दोनों को ही कहेंगे। उनको और क्या मिलता है, उनको allowances मिलता है, house rent allowance मिलता है, DA मिलता है, DNS allowance मिलता है, वगैरह वगैरह, bonus मिलता है। तो employment is called service, employment जो है उसको service बोला जाता है, ठीक है ना। वर्किंग इन अ फैक्ट्री, ऑफिस, होटल, कॉलेज, ETC आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैं अभी स्कूल में पढ़ाता हूँ तो स्कूल में मैं क्या हूँ, मैं एम्प्लॉई हूँ और मेरा एम्प्लॉयर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, राइट। तो यहाँ पे एक तरीके से एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिश्ता है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी कर रहा हूँ सर्विस, है ना। तो आपको प्रैक्टिकली भी मैंने समझा दिया। इवन professionally qualified persons also work as an employee in the various organizations, है ना। तो जो professionally qualified persons होते हैं वो भी sometimes you know काम करते हैं किसी ना किसी company के लिए, वो भी possible है। For example, doctors employed in government,
डॉक्टर जो होता है वो प्रोफेशनल होता है, लेकिन सपोज वो गवर्नमेंट या फिर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, आई मीन हॉस्पिटल में काम कर रहा है, इंजीनियर्स एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री ईटीसी, तो ये लोग भी एक तरीके से किसी के जो प्रोफेशनल होते हैं वो भी किसी के अंडर में रह करके काम कर सकते हैं। तो इंप्लॉयमेंट में जो इम्प्लॉयर है वो तो भाई बिजनेस है, लेकिन इम्प्लॉय जो है वो प्रोफेशनल भी होता है, अनप्रोफेशनल भी होता है, स्किल्ड भी होता है और अनस्किल्ड भी होता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको तीनों में जो डिफरेंस है वो भी समझ में आ गया होगा, जो डेफिनेशन है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।